कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। जैसा कि मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है बच्चों, उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश का मॉडल पेपर तैयार किया है, या फिर ये बोल सकते हैं ये मॉडल पेपर आपके जो एमपी बोर्ड से ही भेजा गया है कि आपको इससे एक आइडिया लग जाए कि आपका जो मेन परीक्षा में जो पेपर आएगा इंग्लिश का वो किस तरीके का आएगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी मुझे कि जैसा कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा कि रियल पेपर के बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि ये वीडियो देख लीजिए और ये हमने आपके लिए रियल पेपर दिया है, सबके सब फेक हैं बच्चों, उनके चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी अच्छे से करें। अगर आप उनके भरोसे हो गए तो निश्चित रूप से आपका वो रिजल्ट खराब करवा देंगे। ठीक है, आगे बच्चों आप खुद समझदार हैं। तो ये जो पेपर है वो रियल पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है, एक नमूना प्रश्न पत्र है। ठीक है, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका पेपर रहने वाला है वो किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो आपको टाइम मिलेगा, आपको पेपर अपने पेपर करने का वो मिलेगा 3 घंटे का। ठीक, 3 घंटे में आपको कंप्लीट पेपर करना है और आपके जो इसमें टोटल मार्क्स होंगे वो 75 है। ठीक, 25 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे जो कि स्कूल वालों की तरफ से मिलेंगे आपको। तो उसके लिए आपको स्कूल वालों से अपना अच्छा बिहेव रखना है जिससे कि वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दें। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, आपको सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उसी के बाद आपको उसके उत्तर देना है। सेकंड है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग देम। तो जो क्वेश्चन के साथ एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसे हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद उसका उत्तर देना है। तीसरा है, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हर एक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका वो सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आजकल बच्चों ये पैसेज वाले जो क्वेश्चन क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, इनमें ये पैसेज वाले, इंग्लिश में तो अपन इसे पैसेज बोलते हैं, हिंदी में आपटित गद्यांश बोलते हैं, तो ये कम से कम 20 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है बच्चों कि आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 20 नंबर के। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन कैसे करना है, पैसेज को पढ़ना है, समझना है, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन के इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे सभी ये पैसेज वाले हैं। ठीक, जो सेक्शन बी है बच्चों वो है राइटिंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है, यू आर प्रूबी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दी गई है आप अपने प्रिंसिपल के लिए। तो वो जो बच्ची है पूर्वी, वो क्या चाहती है कि वो अपनी फीस माफ करवाना चाहती है। तो इस हिसाब से आपको बच्चों 5 एप्लीकेशन याद कर लेना है। ठीक है, आपको लेटर याद नहीं करना। लेटर क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा इसके और में आता है लेटर। ठीक है, तो हमें अगर 5 एप्लीकेशन याद होंगी तो लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, एक तो फी कंसेशन वाली ही कर लेना। ठीक है, एक हो गई, दूसरी आप बुक बैंक की कर लेना, तीसरी आप पीसी की कर लेना। ठीक है, चौथी आप लाउड स्पीकर की कर लेना। ठीक है, इस तरीके से 4-5 एप्लीकेशन आपको याद कर लेना है जिसमें से एक ना एक एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो 5 एप्लीकेशन करना, लेटर मत करना क्योंकि लेटर हमेशा इसके और में आता है। ठीक
या फिर तो एप्लीकेशन करो या फिर लेटर करो। तो हम 5 यदि एप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें लेटर याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम एप्लीकेशन वाला भी पोर्शन कर लेंगे बच्चों। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो 150 वर्ड्स में हमें एक ऐसे लिखना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 3 ऐसे याद करना पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि है ना, जैसे कि एक तो आप ये वाला कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एनी फेस्टिवल वाला, ठीक है। एक कर लीजिए आप माय हॉबी, 3 ऐसे कर लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और एक वंडर ऑफ साइंस का ही ये दिया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये वंडर ऑफ साइंस ही है, ठीक है। तो ये 3 लेवल आप याद कर लीजिए, वंडर ऑफ साइंस, एनी फेस्टिवल और माय हॉबी, इसमें से एक ना एक ऐसे आपके लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये निबंध वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अगला है ये अथवाला, तो अपन को हमें जरूरत ही नहीं है जब हम ये 3 कर लेंगे, ठीक है। अगला है ये पिक्चर राइटिंग, हमारे सामने एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर के बेस पर हमें एक पैरा लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आधा पेज हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दी है, उसमें ये दिया है कि हमें हेल्थी रहने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ईट हेल्थी और रिड्यूस स्ट्रेस, इन सारे पॉइंटों को लेकर हमें एक टॉपिक लिखना है, ठीक है। आधे पेज का टॉपिक लिखना है, तो पिक्चर राइटिंग में इसका आता है। तो आप पिक्चर राइटिंग लिखना सीख लीजिएगा, किस तरीके से पिक्चर राइटिंग लिखी जाती है, उस बेस पर आप पिक्चर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसी के ये अथवा में एक और है, इस पिक्चर को देखकर भी हमें एक टॉपिक लिखना है, ठीक है। तो वो ये भी पिक्चर राइटिंग में आता है। अगला जो सेक्शन सी है बच्चों, वो ग्रामर वाला आएगा। तो ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए तभी, क्योंकि ना आधा आधा पेपर बनता है, आधा ग्रामर का बनता है, ठीक है। इसे हम है ना ऐसे बांट सकते हैं कि 3 सेक्शन में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। एक तो रीडिंग वाला, फिर राइटिंग वाला, ये ग्रामर वाला पार्ट। तो जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये है आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे, ठीक है। मैंने आज जो दूध है वो नहीं लिया, ठीक है, खरीदा नहीं है। तो ये मिल्क है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, ठीक है, एनी मैनी नहीं आएगा, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है। इसी तरीके से आपको और भी ग्रामर का पोर्शन दिया है, आपको देख लेना है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से हमें 7-8 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, उसी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चंस को करना है। जैसे कि एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये है सी डज हर वर्क, वो अपना काम कर दी है। तो ये बोल रहा है चेंज इंटू नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव में कैसे बदलेंगे हम, सी डू नॉट डू हर वर्क, सॉरी डू नॉट नहीं आएगा इसमें, डज नॉट आएगा, सी डज नॉट डू हर वर्क, ठीक है। इस तरीके से इसे नेगेटिव में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। और जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक्स वाला है, ये पूरा जो हमारी इंग्लिश की बुक है बच्चों, उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ओटियां दी हैं, ठीक है, बुक के बुक पर बेस है जो कि, ठीक है। फिर हमसे जो ये एक पैसेज टाइप का है जो कि बुक पर ही बेस है, तो इसे पढ़ेंगे हम और इसे समझकर फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फिर ये भी उसी टाइप का पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम है ना पढ़ के फिर इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें भी करेंगे। मैंने बताया ना ये पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक। अब ये 11 क्वेश्चन है, ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड। तो ये आपके बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो इन्हें भी जो आपने बुक्स में से जो क्वेश्चन आंसर याद करे हैं उसमें से ये पोर्शन दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से भी हमें करना है क्वेश्चन आंसर 12 है, ये भी आपके बुक पर ही बेस है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रहने वाला है बच्चों, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो कंप्लीट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।